हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ध्रुवण। तो ध्रुवण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, चित्र से हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको ध्रुवण का परिभाषा भी याद हो जाएगा। परंतु इससे पहले मैं बता दूँ कि भैया बहुत ही छोटा टॉपिक है, परंतु लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो इसे आप कन्फर्म कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है ध्रुवण। तो भैया ध्रुवण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। अब परिभाषा में हमें क्या बताया गया, इसको सबसे पहले एक बार पढ़िए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं, यह संचरण मतलब प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सममिति फैलाव को कम करने की घटना ही क्या कहलाता है, भैया ध्रुवण कहलाता है। मतलब हमने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सममिति फैलाव को कम करने की घटना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अब हम फिगर से इसको परिभाषा को मैं याद करा दूंगा आपको। तो समझिए, मान लेते हैं ये कोई मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये अक्ष हमने मान लिया। अब इसमें मान रहे हैं कि ये प्रकाश तरंगे क्या कर रही है, संचरण कर रही है। इस प्रकार कोई प्रकाश तरंगे क्या कर रही है, संचरण कर रही है, प्रकाश तरंगों का संचरण, ठीक है, संचरण की दिशा में, मतलब संचरण मतलब होता है गति करना, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा में, प्रकाश संचरण की दिशा में मतलब प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत, गति की दिशा के लंबवत, गति की दिशा के लंबवत लंबवत सममिति फैलाव को कम करने की घटना। असममिति फैलाव को मतलब है कि जो ये ऊपर जा रहा है, जो देख रहे हैं आप, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, तो जो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो है श्रृंग और ये है गर्त, ठीक है, तो इसके फैलाव को कम करना ही क्या कहलाता है भैया, सममिति फैलाव उसके कहते हैं। तो इस फैलाव को कम करने की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। मतलब ये जो इतना ऊपर उठ रहा है, इसको थोड़ा सा ये क्या हो जाए, ये नीचे से ही चला जाए, तो इस प्रकार की घटना ये क्या कहलाता है भैया, ध्रुवण कहलाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सममिति फैलाव कहेंगे। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत लंबवत सममिति फैलाव को कम करने की घटना ही ध्रुवण कहलाता है। यहाँ पे देखिए सममिति फैलाव को कम किया जा रहा है ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत सममिति फैलाव को कम करने की घटना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन यहां से भी बोल सकते हैं या इस फिगर को देखकर बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत, प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत सममिति फैलाव को कम करने की घटना ही ध्रुवण कहलाता है। तो आशा करते हैं ध्रुवण का परिभाषा आप यहां से बोल देंगे कि प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सममिति फैलाव को कम करने की घटना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं यही कहूंगा। यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है, जो आपको टॉपिक नाम पता है, ठीक है, उसको अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि क्लास 12th का या क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल वीडियो लिंक मिले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी चैप्टर वाइज मिल जाए, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सभी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उनको आप यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि भैया सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने सिलेबस को कंप्लीटली देख सकूँ, तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल पढ़ना है, तो आप लिख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, और व्हाट्सएप कर देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय।